बिस्मिल्लाह, मैं इस टाइम मौजूद हूँ टेक्निकल कॉलेज समनाबाद फैसलाबाद में और यहाँ पे जॉब एक्सपो हो रहा है, जहाँ पे DAE से मुतल्लिका और FSC ICS वालों के स्टूडेंट के लिए भी जॉब फेयर हो रहा है, जहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आई हुई हैं, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, प्राइवेट हैं, जो कि स्टूडेंट को अपने पास हायर करने के लिए यहाँ पे एक्सपो हो रहा जा रहा है। तो उसके बारे में आज मेरा व्लॉग होगा, तो अभी आपको दिखा दें कि क्या होता है वहाँ पर। बिस्मिल्लाह, मेरे साथ मौजूद हैं केक्स एंड बेक से मोहम्मद फैसल साहब और यहाँ पे स्टूडेंट के लिए जॉब फेयर लेके आए हैं। अगर ये आप इंटर्नशिप देंगे या फिर जॉब देंगे DAE वाले स्टूडेंट के लिए? हम इंटर्नशिप और जॉब दोनों ऑफर कर रहे हैं लगे हुए। जो DAE की इंटर्नशिप है उनका प्रोडक्शन में जॉब उनको ऑफर करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारी इंटर्नशिप होती है 3 मंथ की होती है, ठीक है। और जो जॉब है वो हम स्टार्ट में प्रोबेशन पीरियड होता है इनका 3 to 6 मंथ का, ठीक है। और उसके बाद फिर ये परमानेंट जॉब। तो ये DAE वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे इसके लिए एलिजिबल है? DAE फूड और DAE केमिकल के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं प्रोडक्शन में, जिनमें हमारे पास क्रॉस है, स्नैक्स है, इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। वहाँ के लिए हमें DAE फूड और DAE केमिकल के स्टूडेंट। इसमें किसी किस्म की सिफारिश नहीं है? नहीं, सिफारिश नहीं, यहाँ पर मेरिट पे होती है। चलिए सर, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। जी, हमारे साथ मौजूद है साद भाई और ये वीवो कंपनी की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं टेक्निकल कॉलेज में। सर, आप ये बताएँ कि कौन से स्टूडेंट के लिए आप यहाँ पर जॉब फेयर देने के लिए आए हैं DAE के लिए? अब यहाँ पे बेसिकली जो DAE के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम सबको जॉब अनाउंस कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल का हो सकता है, सिविल का हो सकता है, मैकेनिकल का हो सकता है। जी सर। अच्छा, ये बताइएगा आप इंटर्नशिप भी करवाएंगे इसमें? इंटर्नशिप में हमको डायरेक्ट जॉब पे हायर करेंगे। डायरेक्ट जॉब पे आप हायर करेंगे, तो इसके लिए आपके लिए जो पास आउट होगा वही बच्चा होगा? जी जी, इससे पहले हमारा एक टेस्ट होगा, ठीक है। बच्चे टेस्ट में पास होंगे उसके लिए हम इंटरव्यू के बाद हम उनको जॉब के लिए कॉल करेंगे। चलें सर, वंडरफुल, थैंक्स सर। जी सर, मेरा नाम शहीन अर्शद है, मैनेजर HR क्लास प्राइवेट लिमिटेड पे। हम यहाँ पर जॉब वैकेंसीज के लिए आए हैं, हमें इंटर्नशिप में बच्चों की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर में, और स्पेशली जो इस वक्त वुमन एम्पावरमेंट के हवाले से हम काम कर रहे हैं उसमें हमें फीमेल्स हर शोबे में चाहिए, नॉट ओनली इन वर्कर्स बल्कि हमें मैनेजमेंट लेवल और सुपरवाइजरी लेवल में भी खवातीन की ज़रूरत है। स्टूडेंट के अलावा भी इसमें कोई अप्लाई कर सकते हैं? जी, हर कोई कर सकते हैं, स्टूडेंट के अलावा भी कर सकते हैं, खवातीन भी कर सकती हैं। 40 ईयर्स ऑफ एज तक की खवातीन के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो आती हैं अगर हमारे पास, तो हमने अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है जिसके अंदर हम उन्हें जॉब काम सिखाते भी हैं, और इस दौरान हम उन्हें 20,000 रुपये स्टाइपेंड भी पे करते हैं, और उसके बाद हम उन्हें जॉब ऑफर करते हैं जो उनको आगे हम अपने यूनिट प्रमोट कर सकें। मौजूदा इतिहास से जनाब कारा में नाम है मेरा, अच्छा, ऑफिसर के तौर पर मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। हम इतिहाद प्राइवेट लिमिटेड से आए हैं और हमारा मकसद यह है कि मैकेनिकल फील्ड के रेलिवेंट, सिविल के रेलिवेंट और इलेक्ट्रिकल के रेलिवेंट बैकग्राउंड जिन बच्चों का है उनको हम DAE में DAE डिप्लोमा जिनके पास, ठीक है, ताकि उनको हम इंटर्नशिप के लिए कॉल कर सकें, हम उनके CVs जमा कर रहे हैं अपने पास। अच्छा, ये बताएं जो जो इंटर्नशिप होगी वो पेड होंगी? इंटर्नशिप, हाँ जी, स्टाइपेंड होगा, उसका स्टाइपेंड मिलेगा इनको। जी, अब आप बच्चों से वो ले रहे हैं, CVs वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं? जी जी। चलिए सर। अच्छा, मैं सर इस टाइम मौजूद है AB सोलर सिस्टम के। सर, क्या नाम है आपका? बाबर अली। आप स्टूडेंट के लिए क्या लेके आए हैं, इस इंटर्नशिप लेके आए हैं या जॉब लेके आए हैं? हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, हम जिनको नहीं आता, हाँ जी, इंटर्नशिप देंगे, ठीक है, ठीक है, आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट वो भी देंगे, DAE भी देंगे, खाना देंगे, जो किसी भी फील्ड से आता है, ज़रूरी नहीं कि वो DAE से हो, वो किसी भी फील्ड से हम उसको देंगे। इंटर है। अच्छा, तो बच्चों के लिए आप इंटर्नशिप भी लेके आ रहे हैं, जॉब भी लेके आ रहे हैं और खाने पीने की भी लेके आ रहे हैं? अभी आपने बच्चों करते हैं जी, आपको 10 से 15 दिन में या 1 महीने में अपने आपको प्रूव करते हैं, उनको सैलरी स्टार्ट करते हैं। फंटेस्टिक। ये अभी आप ये देख सकते हैं CV भी ले रहे हैं ये सर, ठीक है, और ये बच्चे खड़े हैं। AR इंजीनियर से है हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जॉब अगर नहीं भी मिल रही आजकल हालात मशीन की वजह से, हालात की वजह से, तो हम उनको बिज़नेस ऑफर कर रहे हैं। बिज़नेस के साथ जिसको काम नहीं आ रहा, हम उसको चाह रहे हैं कि वो हमसे ही इंटर्नशिप ले और हमसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट सीखे और जो अपने इलाके में जाके बिजनेस करें। हमारा ये काम है कि हम कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में लेके जाना चाह रहे हैं स्टूडेंट को, एंटरप्रेन्योरशिप, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये देखिए, ये यहाँ पे फैकल्टी खड़ी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त काम कर रही है। भाई, आप भी आ जाए, आपने ये प्रोटोकॉल दिया है। सर, आपका नाम पहले? मेरा नाम जवाद अली है। ठीक है सर। मैं पाकिस्तान
कहाँ से? सर पाकिस्तान। अच्छा जो कंपनी है। ठीक 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 वो भी सर पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये एक इजिप्शियन कंपनी है, पाकिस्तान में ये टेलीकॉम सेक्टर पे काम कर रही है। ठीक है। टेलीकॉम सेक्टर में जैज जो फैसलाबाद रीजन है इस पे जैज और जॉन के जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो टेलीकॉम से नेटवर्क है इस पे मेंटेनेंस और। अच्छा मुझे ये बताएंगे कि आप स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्या लेके आए हैं? स्टूडेंट के लिए हम लेके आए हैं टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा तो बच्चों को यहाँ पे इंटर्नशिप में रखेंगे या जॉब के लिए रखेंगे? हमारा जो सिस्टम है हमने इसमें किया हुआ है कि पहले होती है टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है। उसी वो है 3 मंथ्स की। ठीक है। 3 मंथ्स पे हम दे देते हैं कि जो हमारी फील्ड टीम है जी जी उस पे हम देते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है। पहले वो भी पेड होती है। ठीक है। पहले भी पहले मंथ में हम देते हैं स्टिपेंड ट्रेनिंग को 10,000। फिर पर मंथ एक हर मंथ के बाद उसका इंटरव्यू लिया जाता है, अगर उसने कुछ सीखा है तो चुने के टेलीकॉम। तो ये कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं? कौन से DIE वाले हैं या इसके अलावा भी हैं? DIE इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए। सब स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप लेके आए या जॉब लेके आए? जॉब लेके आए, जॉब लेके आए। और इससे पहले हमने एक दो दो दफ़ा पहले भी हुआ है, उसमें हमने आई थिंक तकरीबन 15 से 20 बच्चे आपने हायर किए हैं। ठीक है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट को आप हायर कर रहे हैं? ये बेसिकली है DIE इलेक्ट्रिकल जो है ना, उसको हम हायर कर रहे हैं। ज़्यादा फोकस उस पर कर रहे हैं आप? अभी हमारे पास 100 के करीब सीनियर्स हो गई हैं। फैंटास्टिक, बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं। ठीक है। इंशाल्लाह। मैं इस टाइम मौजूद हूँ एसेंट BPO पे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली साहब। ये बताएंगे आप स्टूडेंट के लिए क्या लेके आए हैं? हम यहाँ पे जॉब फेयर के लिए आए हूँ। ठीक है। जॉब फेयर स्पेसिफिकली IT के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को मल्टीपल फील्ड्स के अंदर इंडक्ट कर सकें। DIE आप इस टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हैं, कौन सी DIE को आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आप? ये स्पेसिफिकली IT के स्टूडेंट्स, IT के स्टूडेंट कर रहे हैं। तो इसमें जो पास आउट है उसी को कर रहे हैं आप या जो नहीं है? ठीक है। डिग्री कर भी रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई साइकोलॉजिस्ट फिजियोलॉजिस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। फिजियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, उसको भी हम इंडक्ट कर सकते हैं इस फील्ड में। फैंटास्टिक। अगर किसी स्टूडेंट है जो यहाँ पे नहीं मौजूद, आप तक कॉन्टैक्ट करना हो तो हाउ टू हमारे वॉक इन इंटरव्यूज हो रहे हैं। ठीक है। ऑफिस है सेकंड फ्लोर रीजेंट मॉल चैनल रोड के ऊपर है, फैसलाबाद के। ठीक है। वॉक इन इंटरव्यूज हो रहे हैं। ठीक है। तो 4 बजे आप आ सकते हो किसी भी टाइम पे, आपका इंटरव्यू हो जाएगा मंडे को। ठीक है। जो आप जॉब ऑफर कर रहे हैं या इंटर्नशिप भी कर रहे हैं तो वो उसकी कहाँ तक स्टार्टिंग होती है आपकी स्टार्टिंग सैलरी? ये डिपेंड करता है HR पॉलिसी के ऊपर। ठीक है। दफ़ा ज़्यादा बाद कम होती है तो ये HR पॉलिसी बताएगी। चलिए सर, अली साहब बहुत बहुत थैंक यू। बड़ा टाइम मौजूद हूँ पंजाब बेवरेजेस कंपनी पेप्सी के यंगस्टर जो खुद यंगस्टर्स हैं और बच्चों के लिए लेके आए हैं। जॉब ऑफर क्या लेके हैं स्टूडेंट के लिए और कौन सी DIE को आप फोकस कर रहे हैं? जी बेसिकली हम इस वक्त इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट को टैकल कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। ठीक है। और उनको आप एज क्या लेंगे, इंटर्नी लेंगे या जॉब पे लेंगे डायरेक्ट? हम स्टार्टिंग में जो फ्रेश स्टूडेंट्स होंगे उनको इंशाल्लाह हम 3 मंथ की ट्रेनिंग देंगे। पेड होगी? पेड होगी। कितनी? और ये फर्स्ट मंथ जो वो अनपेड होता है, सेकंड एंड थर्ड मंथ जो होता है वो पेड होता है, 9,000। ठीक है। और उसके बाद हम ये इंश्योर करवाते हैं कि हम उनको इंटरव्यूज लें और वैल्यूएशन करके उनको प्रॉपर जो है लीडिंग टू वर्ड जॉब लेकर जाए। ठीक है। ये हमारा मोटिव है कि हमने जो यंग ब्लड है उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है ताकि वो हमारी इंडस्ट्री में आके एक वैल्यू एडिशन करने के चांस मिल सके। अगर जो बच्चा यहाँ पे नहीं आया हुआ, जो जिनके CV तो यहाँ पे आ गए आपके पास, ओके है, जो नहीं आया वो आप तक कैसे कॉन्टैक्ट करेगा? ये आप देख सकते हैं हमने एक QR कोड जनरेट किया हुआ है, इसके थ्रू आप हमारी जो वैकेंट पोजीशंस है वो भी देख सकते हैं। ओके। PDF फॉर्म में हमने अपलोड की हुई है, वो डाउनलोड हो जाएगी, आप देख सकते हैं। और फर्दर उधर हमारा HR मेल है, वहाँ आप ईमेल करें और अपनी CV को फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलें, बंडल ऑफ थैंक्स सर, गुड नेम। थैंक यू सो मच सर। उस्मान जफर साहब। और आपकी यह बड़ी यंगस्टर हो क्या? मैं इस टाइम आया हूँ डेवो बैटरीज पे। ये फर्स्ट वन है जिन्होंने इंटर्नशिप ऑफर नहीं की हुई, ये ऑन जो भी लेंगे स्टूडेंट फ्रेश को भी। मैं रियली इनको अप्रिशिएट करता हूँ। सर नाम आपका? जी मेरा नाम शराज अमान है और आई एम डिप्टी मैनेजर HR ट्रेड ग्रुप ऑफ कंपनीज, हमारा सही वाले के अंदर प्लांट अकेडमी के अंदर। ठीक है। तो वी आर द पायनियर्स देयर सर, हमने सबसे पहले डिप्लोमा होल्डर हमने रखे माशाल्लाह, और हमारे पास माशाल्लाह 300 से ज़्यादा डिप्लोमा होल्डर हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। अच्छा मुझे बताएंगे कि कौन से DIE को आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने जॉब के लिए? सर हमारा जो ज़्यादातर काम है ना वो मैकेनिकल का है। ठीक है। क्योंकि बैटरी असेंबल होती है, हर कंपोनेंट हमारे पास आता है, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक सारी हमारी प्रोडक्ट खुद असेंबल हो रही है। अच्छा ये आप DIE से स्टार्ट होकर BS तक आप जाते हैं?
फिर हायरार्की के हिसाब से हम इनको एज ए ऑपरेटर रखते हैं मशीन के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली हायरार्की जो है वो ऑफिसर्स की है, उसमें हमारे पास फील्ड टैग लोग आ जाते हैं, फिर उसके ऊपर हमारे पास जीएम पोजीशन आती है जिसको हम जूनियर मैनेजर कंसीडर करते हैं। अच्छा, ये बताएं जो बच्चे यहाँ पे नहीं आ सके उन्हें आपसे रब्ता करना, कैसे कर सकेंगे? सर हमारा जो है ना वो फैसलाबाद जो जॉब रिप्लेसमेंट वाले असगर साहब हैं उनके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, वो रेगुलरली हमारे टच में रहते हैं। ठीक है, हम ऑन कैंपस भी इंटरव्यू करते हैं और सिलेक्शन करते हैं, अगर कोई बच्चे यहाँ पे नहीं पहुँच सके तो इंशाल्लाह असगर साहब से रब्ता करके हमारे प्लांट पे पहुँचे हम उनको लाजमी। सर बंडल ऑफ थैंक्स। अच्छा, मेरी बहुत फेवरेट है किया स्पोर्टेज। ठीक है, ये उस कंपनी से हैं। सर आप यहाँ पे स्टूडेंट के लिए आए हुए हैं तो कौन से स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस करें? अच्छा, जो भी मैंने इंटरव्यू किया यहाँ पे वो सिर्फ उसका जो कैंडिडेट है वो सर नहीं चाहते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे जॉब एक्सप्लोर है। आपके टैलेंट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे पे काम करते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप पहले भी जो है बच्चों की फलाह के लिए, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की फलाह के लिए ब्लॉग बनाते हैं, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने आपको जो बताया आप तशरीफ दे दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ ही आपने भी बताया, याद रखा आपने मुझे। ये तो था आज का व्लॉग, और आपको कैसा लगा और स्टूडेंट के लिए कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाजमी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आए हुए थे यहाँ पे, तो लाजमी बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा।